फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अजय यादव। वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़, जहां एक बार फिर से आप सभी के बीच में आपका ही फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड रियलिटी लेकर हाजिर हूं। जी हां, आज फिर से मैं आपको कुछ खबरों के पीछे की सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, जहां आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में। जी हाँ, बीते साल के दिसंबर महीने की 11 तारीख को जहाँ दोनों शादी के बंधन में बंधे थे, तो वहीं गुपचुप शादी जहाँ दोनों ने की थी, इसके बाद दोनों ने काफ़ी सारी खबरें बटोरी, भले ही वो इनके रिसेप्शन से जुड़ी हो या फिर हनीमून से जुड़ी। तो वहीं स्टार कपल एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा खबरों में हैं अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी को लेकर। जी हाँ, लगातार ही अनुष्का शर्मा से जुड़ी कई खबरें बॉलीवुड गलियारों में वायरल हो रही थीं, जहां विराट कोहली के एक ट्वीट ने सभी को हैरान कर दिया था, जो कि अनुष्का शर्मा की ही प्रेगनेंसी से लिंक कर दिया गया। प्रेगनेंसी पर अभी तक भी किसी की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है, ना ही तो अनुष्का ने कुछ बोला है और ना ही विराट कोहली ने, लेकिन फिर से विराट कोहली का एक ऐसा इंटरव्यू सामने आने लगा है जहाँ विराट कोहली ने इस बार बात की है अपने घर में नन्हे मेहमान की एंट्री की। जी हाँ, विराट कोहली का हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया, जहाँ इस इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए अपने बेटे को वो कैसी परवरिश देंगे उन्होंने खुद ही बताया। डाली नजर हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट पर और जानिए आखिरकार विराट ने क्या कहा और कैसे ये खबरें लगातार वायरल होने लगी। बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को सबसे बेस्ट कपल माना जाता है, लेकिन इस बार अनुष्का के क्रिकेटर पति यानी कि विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का को एक चैलेंज दे दिया है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने अपनी पत्नी को अनुष्का को फिटनेस चैलेंज दिया है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अनुष्का ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है। बता दें, वीडियो में अनुष्का कहती है, हे बेब्स, मैं तुम्हारा फिटनेस चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपना पसंदीदा वर्कआउट। उम्मीद है आप इसे ट्राई करें। जानकारी के लिए बता दें कि विराट को ये चैलेंज केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दिया था और विराट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें वो एक्सरसाइज करते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ वीडियो के साथ कैप्शन भी लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था, मैंने राज्यवर्धन सर का फिटनेस चैलेंज स्वीकार किया है और अब मैं अपनी पत्नी अनुष्का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और धोनी भाई को चैलेंज करता हूँ। वेल, अब अनुष्का ने तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी जी और धोनी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। बॉलीवुड गलियारों में अक्सर ही चर्चाएं होती रहती हैं एक कपल की, और इन चर्चाओं के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ स्टार से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिनका फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। खैर, आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं अपने इस रिपोर्ट में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में। बीते काफी दिनों से ही अनुष्का की प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ खबरें सामने आ रही थीं और ये खबरें तब उफान पर आईं जब विराट कोहली ने एक ऐसा ट्वीट किया अनुष्का शर्मा के ऊपर, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं। हालांकि इन खबरों के पीछे की सच्चाई बाद में सामने आ गई थी और ये खारिज हो चुका था कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट नहीं है। तो वहीं आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं विराट कोहली के ही एक और स्टेटमेंट के बारे में, जिससे फिर से अनुष्का की प्रेगनेंसी उठती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, विराट कोहली ने जहां सबसे पहले अपने करियर के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक दिन ये भी खत्म होगा, मेरी भी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, मेरे बच्चे होंगे, उन्हें मेरे साथ समय बिताने का पूरा पूरा हक होगा। एक बात जो मेरे दिमाग में बहुत साफ है कि मैं ये चाहता हूँ कि अपने करियर से जुड़ी बातें घर पर ना हो। विराट कोहली ने आगे ये भी कहा कि वो ये चाहते हैं कि उनकी ट्रॉफियां, उनकी अचीवमेंट्स कुछ भी उनके घर पर ना रहें, और वो ये चाहते हैं कि जब भी उनके बच्चे बड़े हो रहे हों तो उन्हें सेलिब्रिटी के घर का एहसास ना हो। जी हाँ, विराट कोहली जहाँ पूरे तरीके से नए मेहमान की एंट्री के लिए अपने घर में काफ़ी सारे बदलाव करने वाले हैं, तो वहीं फिर से कहीं ना कहीं विराट कोहली ने ये हिंट दिया है कि जल्द ही उनके घर भी नन्ना मेहमान आ सकता है।
बीते साल के दिसंबर के आखिरी महीने में 11 दिसंबर को गुपचुप शादी के बंधन में बंधने वाला कपल विराट और अनुष्का लोगों के बीच अक्सर ही चर्चाओं का विषय बना रहता है। ये कपल जहां लगातार ही सुर्खियों में रहता है, तो वहीं इन पर प्यार लुटाने वाले फैंस की जहां बौछार है, तो इसी बीच इन्हीं फैंस के लिए आज की हमारी खास रिपोर्ट है जो कि विराट और अनुष्का के ऊपर ही है। आपको बता दें कि आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं अपने इस बेहद खास रिपोर्ट में विराट और अनुष्का की जिंदगी में आए बदलाव के बारे में, वो भी शादी के बाद। दरअसल हाल ही में विराट कोहली नजर आए थे एक इंटरव्यू में। जी हां, शादी के बाद विराट की जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं और आईपीएल के दौरान अपने एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के बारे में कई सारी बातें कही हैं जो कि अब तक लोगों ने नहीं सुनी होगी। जी हाँ, अगर आपको याद हो कि करियर के शुरुआत में विराट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे, तो वहीं विराट कोहली ने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में ये माना है। जी हाँ, उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा, पिछले कुछ सालों से उन्होंने अनुष्का के साथ बहुत सारी चीज़ों को महसूस किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने पहले कभी नहीं किया था, वो बहुत ही धार्मिक हैं और मुझमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी लाए हैं। जी हाँ, विराट कोहली का ये मानना है कि अनुष्का शर्मा के कारण ही उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आए। तो वहीं आप सभी को ये बता दें कि लगातार ही विराट कोहली जहाँ अपनी आईपीएल सीरीज़ को लेकर सुर्खियों में थे, तो वहीं अब अपने इस इंटरव्यू से वो काफ़ी ज़्यादा ही सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। अनुष्का और विराट कोहली एक ऐसा कपल है जो कि अक्सर ही खबरों का सिलसिला बना रहता है। जी हाँ, भले ही बात की जाए दोनों की गुपचुप शादी की, या फिर बात हो दोनों के रिसेप्शन की, या फिर बात की जाए दोनों के ही हनीमून की, दोनों हमेशा से ही सभी का पसंदीदा कपल रहा है। तो वहीं दोनों की जोड़ी की जहाँ कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, तो वहीं अब दोनों की एक फ़ोटो भी सामने आ रही है जो कि जमकर वायरल हो रही है। जी हाँ, इस फोटो में देखा गया है विरुष्का यानी कि विराट अनुष्का को आईपीएल एंजॉय करते हुए, जहाँ साथ में एक कपल काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वहीं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली खबरों में है इसी फोटो को लेकर, लेकिन फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों परेशान हैं। दरअसल दोनों के चेहरे पर साफ साफ परेशानी देखी गई है, जिस परेशानी से ऐसा लग रहा है कि मैच में कोई ऐसा मोड होगा जहाँ पर ये रैंडम क्लिक कर ली गई है। हर किसी की फेवरेट विरुष्का यानी क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने जब से एक दूसरे से की है शादी, तभी से ही वो दोनों लोगों के बीच नजरों में बने हुए हैं। आए दिन ही इन दोनों की कोई ना कोई फोटोज सामने आती रहती हैं, जिसमें हमेशा ही उनके बीच का प्यार नजर आता है। बता दें दोस्तों, हाल ही में एक बार फिर से नजर आई है विरुष्का और नजर आया है इन दोनों के बीच का प्यार। दरअसल दोनों को हाल ही में आधी रात डिनर डेट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान विराट अपने कूल अंदाज में नजर आए, तो साथ ही अनुष्का जो एक बार फिर से लग रही हैं काफी क्यूट। वेल, बात की जाए अगर इसके अलावा, तो बता दें कि अनुष्का इन दिनों अपने पति विराट के साथ उनको चीयर करती हुई नजर आई हैं आईपीएल के दौरान। तो समय मिलते ही ये दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते भी नजर आए हैं। साथ ही अगर बात की जाए अनुष्का की फिल्मों के बारे में, तो अनुष्का जल्द ही एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ नजर आने वाली हैं स्क्रीन शेयर करते हुए उनकी फिल्म जीरो में। वेल, दोस्तों देखा होगा आप सभी ने कैसे घर पर नन्हे मेहमान की एंट्री के लिए काफी ज्यादा बेताब थे अनुष्का और विराट। तो हुए विराट कोहली ने क्या कहा है अपने घर पर नए मेहमान की एंट्री पर, आपने ये भी सुना होगा, जहाँ विराट कोहली अपने होने वाले बच्चे को एक ऐसी परवरिश देना चाहते हैं जो कि आम बच्चों की तरह ही होती है, जहां उस बच्चे को बिल्कुल भी स्टार फील नहीं होना देना चाहते विराट कोहली। तो वहीं आपने ये भी जाना कि कैसे विराट कोहली अपनी सक्सेस का प्रभाव उस बच्चे पर नहीं पड़ने देंगे। आपने ये भी जाना कि कैसे फिटनेस चैलेंज काफ़ी चल रहा है इन दिनों, और बॉलीवुड से लेकर खेल जगत और साथ ही पूरे देश भर में से लोग काफ़ी हिस्सा ले रहे हैं इस चैलेंज में, और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी कैसे चैलेंज लिया आपने ये भी इस खास रिपोर्ट में देखा होगा। वेल दोस्तों, आज के इस बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड में इतना ही, जहां आपने देखा कि विराट और अनुष्का शर्मा लगातार ही ट्रेंड में बने हुए थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Yeah.